चलो, RBNL के बारे में बातें हो गई यार, UPL के बारे में, ग्लेनमार्क के बारे में, रेडिको के बारे में, इन सभी के बारे में बात हो गई। तो आज की और खबर देखते हैं। TVS मोटर, तो एक अच्छी खबर, 1 साल में 93% का रिटर्न, अगस्त में 13% की जो सेल्स ग्रोथ हुई है, तो पिछले महीने में कुल जो इनकी बिक्री है 14% बढ़कर 3,78,841 यूनिट हो गई, जबकि अगस्त 2023 में पिछले साल में 3,32,000 थी। उस अकॉर्डिंग देखें तो ग्रोथ काफ़ी बेटर है। डोमेस्टिक मार्केट में टू व्हीलर की बिक्री पिछले महीने सालाना 13% बढ़कर 2,79,073 यूनिट हो गई, जो अगस्त 2023 में 2,56,619 यूनिट थी। कुल निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले साल अगस्त में 87,000 यूनिट से बढ़कर पिछले महीने अगस्त में 99,976 यानी 1,00,000 यूनिट के करीब का जो है आंकड़ा टच हो गया। तो TVS मोटर के शेयर का जो है ध्यान रखे, रडार पर रखे, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है और ना मैं सेबी रजिस्टर हूँ। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, खुद का मेरा व्यू है, तो उस हिसाब से मैं आपको भी सलाह देता हूँ। थैंक यू।